कोटा रेल मंडल में मंगलवार को सुबह जिस रेल खंड में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया, शाम को उसी ट्रैक पर गुडला स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना कैंची पर ट्रैक बदलते समय हुई। हादसे में मालगाड़ी के दो डिब्बे नीचे उतर गए। इससे चार घंटे से ज्यादा समय तक रेल यातायात प्रभावित रहा। एक दर्जन से ज्यादा यात्री गाड़ियां लेट हुई हैं। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है। रेलवे ने हादसे के बाद अपलाइन से रेल यातायात का संचालन शुरू किया। रेलवे सूत्रों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे गुडला से ऑटोमोबाइल करियर मालगाड़ी रवाना होकर डाउन लाइन पर जा रही थी। 10 मिनट बाद गुडला स्टेशन से कुछ आगे चलते ही नॉर्दर्न बाईपास ओवरब्रिज के नीचे ट्रैक की कैची पर मैन ट्रैक पर आते समय ट्रेन के इंजन के पीछे के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। गति धीमी होने से ट्रेन तुरंत रुक गई। कोटा कंट्रोल रूम को घटना की सूचना मिली तो कोटा के आसपास के स्टेशनों से लेकर सवाई माधोपुर स्टेशन तक ट्रेनों को रोक दिया गया। विशेष ट्रेनों का संचालन अपलाइन के माध्यम से किया गया। शाम 8 बजे बेपटरी हुए डिब्बों को अलग कर ट्रेन को कोटा जंक्शन भेजा गया। मालगाड़ी के बेपटरी होने की सूचना के बाद कोटा से रेलवे के अधिकारी के अलावा केशवराय पाटन, उपखंड अधिकारी दीपक महावर, पुलिस उप अधीक्षक आशीष भार्गव, कोटा नयापुरा से पुलिस उप अधीक्षक गंगा सहाय शर्मा, जीआरपी आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मालगाड़ी को पटरी पर लाने का काम भी शुरू कर दिया गया। कोटा रेल मंडल के पीआरओ रोहित मालवीय ने बताया कि गुडला के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई। डाउन ट्रैक पर दो डिब्बे बेपटरी हुए। तकनीकी टीम ने मौके पर काम शुरू कर दिया। अपलाइन से रेल यातायात को जारी रखा गया।